दोस्तों आज हमारे साथ है HP का स्मार्ट टेक प्रिंटर 525। इसका मॉडल नंबर है और आपको ये अमेजोन के अंदर, फ्लिपकार्ट के अंदर, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह मिल जाएगा। आज की वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस प्रिंटर के बारे में। इस प्रिंटर के बारे में रिव्यू करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब मैं इस प्रिंटर को लेने की सोच रहा था, मैंने यूट्यूब में काफ़ी सारी वीडियोस देखी मेरी। आप लोगों ने ये ग्रीन सोल की चेयर के ऊपर रिव्यू देखा होगा और उस रिव्यू को देख के काफ़ी सारे लोगों को मदद मिली थी कि मैंने ऑनेस्ट रिव्यू दिया था कि जो एक्चुअल में मुझे फील हुआ मैंने वो चीज़ बताया था, कोई हवा हवाई बातें नहीं करी थी। और आज मैं इस HP के प्रिंटर के बारे में ही रिव्यू देने वाला हूँ और एक्चुअल रिव्यू रहेगा, क्योंकि जब आपके घर में प्रिंटर या ऐसी चीज़ आती है ना, वो सिर्फ आपकी पसंद नहीं होती या फिर आपकी नज़र में ही नहीं रहती है, आपके फैमिली के हर बंदे की नज़र में वो चीज़ रहती है। अगर वो चीज़ अच्छी निकली तो आपकी हर कोई तारीफ करेगा, अगर वो गलती से भी ख़राब निकल गई या कोई दिक्कत पैदा करने वाली निकल गई तो हर कोई आपको कोसेगा। इसलिए हर कोई बंदा जब प्रिंटर लेने के सोचता है तो वो ऐसा प्रिंटर लेता है, लेने सोचता है कि उसके फैमिली में किसी को भी दिक्कत ना हो उस चीज़ से, ये सोच समझ के लेना पड़ता है। और मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोस देखी, आपने ऑनलाइन लेना चाहिए, ऑफलाइन लेना चाहिए, सारा कुछ आज की वीडियो में बताऊँगा। मैं इतना कह सकता हूँ गारंटी के साथ, जो बंदा इस वीडियो को देख लेगा उसको इसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। YouTube में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और किस वीडियो क्या भरोसा भाई, सारी वीडियो होती है पेड, यानी कि पैसा लेकर के रिव्यू करते हैं, स्पॉन्सर वीडियो जिसे कहते हैं। तो कौन सी वीडियो स्पॉन्सर है कौन सी नहीं क्या पता चला, क्या भाई झूठी कोई रिव्यू दे रहा है। इसलिए मैं साफ बोल दूं कि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे किसी ने एक रुपया तक नहीं दे रखा, ना एक पैसा दे रखा, ना किसी ने मेरे से अप्रोच तक करी। मैं अपने दिल से बना रहा हूं इस वीडियो को, जो खराबियां इसके अंदर होंगी मैं खुलेआम बोलूंगा, जो अच्छाइयां होंगी खुलेआम बोलूंगा। तो अगर आप एक प्रिंटर लेने की सोच रहे हैं तो आपने क्या ये HP का स्मार्ट टैंक 525 मॉडल का प्रिंटर लेना चाहिए। ये प्रिंटर मैंने ऑफलाइन लिया है, हालांकि ये ऑनलाइन मिलता है, मैंने फिर भी ऑफलाइन क्यों लिया वो इस वीडियो के अंदर जवाब मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको हमारे चैनल पे और कंटेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बेस्ट बेस्ट रिव्यू भी मिलेंगे आपको चीज़ों के, ठीक है। तो बात करें जब प्रिंटर लेने की, मैं सोच रहा था, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी, ये 525 जो सीरीज है स्मार्ट टैंक की, इसमें तीन चार मॉडल आते हैं और कीमत इनकी समय के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है। आप लोगों ने ऑनलाइन कीमत, आपको पता होगी कि ऑनलाइन कीमत 11,500 या फिर 12,000 के अंदर रहती है, क्योंकि ये वाईफाई वाला नहीं है, इसमें ऑनलाइन प्रिंटिंग नहीं कर सकते। एक इसी में आता है जिसमें वाईफाई के थ्रू आप कमांड दे करके प्रिंट निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि आप प्रिंटर किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, आपका यूज क्या है। देखो लेजर प्रिंटर, इंक टैंक प्रिंटर या इंक जेट प्रिंटर, तीन टाइप के प्रिंटर आते हैं। जो ये वाला है ये इंक टैंक है, इंक जेट इसलिए नहीं लिया क्योंकि इंक जेट का भाई काम ही नहीं था मेरा, ठीक है। आपको किस यूज के लिए चाहिए, अगर आपको ऑफिस के लिए चाहिए तो वहाँ पर आप वाईफाई वाला रिकमेंड कर सकते हो अपने लिए, या फिर आप लेजर प्रिंटर को भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा महंगा आता है। लेकिन अगर घर के यूज के लिए ले रहे हो, मैंने घर के लिए यूज के लिए लिया, मेरा घर का यूज है, कितना ही प्रिंट हो जाएगा, जो भाई लोग हैं दोस्त लोग हैं वो प्रिंट निकाल लेंगे कभी कभार, ज़्यादा यूज होने वाला है नहीं, तो मैंने इसलिए वाईफाई नहीं लिया। क्योंकि भाई मैं सही बताऊँ ना, अगर आप वाईफाई वाला घर के लिए ले भी लेंगे ना, आप एक दो दिन आपको मजा आएगा वाईफाई से प्रिंट निकालने में, उसके बाद आप वो वाईफाई का यूज ही नहीं करेंगे। आप खुद बताओ कितने प्रिंटर निकाल लोगे आप महीने में और कितना वाईफाई का यूज कर लेंगे। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे वहाँ देने पड़ेंगे, 15,000 का वो प्रिंटर पड़ेगा, 15,500 का, ठीक है। आपको वाईफाई वाला अगर आपको डिमांड ऑफिस के लिए कहीं वर्क के लिए तो वहाँ से ले लो, जहाँ पर 4-5 लोग, ज़्यादा लोग हैं वो प्रिंट एक ही प्रिंटर से प्रिंट निकालने वाले हैं। अगर आप इकलौते हो तो भाई ये प्रिंटर ले लो, बिना वाईफाई का बहुत बेस्ट है। दूसरा, इंक टैंक प्रिंटर ही लेना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें आपकी पर प्रिंटिंग कॉस्ट अच्छी रहती है, कम रहती है, और अगर आपकी कोई कार्टेज में दिक्कत आती है तो पूरी वो अंदर कार्टेज पूरा हेड चेंज नहीं होता है, छोटी छोटी कार्टेज आती हैं वो आपको चेंज करनी पड़ती है। अब सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आया कि भाई बहुत सारी कंपनियाँ एप्सन है और HP है, बहुत सारी कंपनियाँ, मैंने सिर्फ HP का ही क्यों लिया। देखो कंपनी कोई बुरी नहीं है, मैं सही बताऊँ ना, किस्मत ख़राब हो सकती है अगर आप किसी कंपनी के ले रहे हैं, आपको खराब प्रोडक्ट मिल गया, किस्मत ख़राब कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन कोई कंपनी ख़राब नहीं है। कंपनी ख़राब होती है अभी तक तो लूट चुकी होती है, एप्सन ले लो, HP ले लो, कोई भी कंपनी ले लो, अगर ख़राब होती तो ये मार्केट में खड़ी क्यों होती, आप खुद सोचो ना, कंपनियाँ सारी सही है। आप वो देखो कि आपके एरिया में कौन सर्विस अच्छी दे सकता है। अगर आप एक कंपनी दे रही कि भाई हम आपके घर में आके सर्विस करेंगे, दूसरी कंपनी करके भाई हमारे स्टोर में आके लाओगे प्रिंटर तब हम सर्विस करेंगे,
तो आप किसका लोगे? जो घर में आके खुद सर्विस करके जा रहा है आप उसका लोगे ना, फ्री सर्विस जो दे रहा है। तो एचपी मुझे यही फायदा मिला कि ऑन साइट सर्विस आपको देता है कि आप घर में आएगा कोई दिक्कत होती तो घर में आपको चेंज करके देगा। अब बात करें इसमें इंक की, तो हमें 3 बोतल इंक की मिलती जो कलर की मिलती है और 1 बोतल मिलती ब्लैक की। तो ब्लैक की बोतल मिलती बड़ी, वो सब इसके साथ ही मिलती, कोई हमें अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसमें ही मैंने बोतल भी रखी है। तो देखो ये बोतल पूरी लग चुकी है, एक ये ब्लू में रहती है, एक ये येलो में रहती है और एक ये रेड या पर क्या पिंक कहेंगे, जैसे पिंक कलर की रहती है, ठीक है। तो ये 3 बोतल एक ये रहती कलर की और 1 बोतल रहती है जो रहेगी आपकी ब्लैक की। ब्लैक की बोतल बड़ी रहती है इसलिए वो आधी ही फिल हो पाती है इसमें, ठीक है। अब अगर आप इसे घर के यूज के लिए ले रहे हैं ना, मैं आपको पूरा रिकमेंड करूंगा आंख बंद करके ले लो, कोई डाउट मत करो। जितना वीडियो देखोगे उतना कंफ्यूजन दिमाग में पैदा होगी। अब बात करें अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन कहां से आपने लेना चाहिए, ऑनलाइन रेट आपकी आंखों के सामने, जो आप लेना चाहोगे आप ऑनलाइन रेट लेना, अपने आसपास की मार्केट में पता करना इसका ऑफलाइन रेट क्या। मुझे पड़ गया है 10,500 में, थैंक्स फॉर शर्मा जी, उनकी शॉप हमारे घर के बगल में है। तो मुझे तो काफ़ी फायदा रहा इसको ऑनलाइन के बदले ऑफलाइन लेने से। और दूसरी बात, ऑफलाइन में ले लिया तो मैंने उनका बढ़िया करके शेयर खाया कि कैसे यूज करना सब कुछ, उन्होंने मुझे डिटेल में बताया, तो ऑनलाइन में आपको ये चीज़ नहीं होता। दूसरा एचपी का लेने में यह है कि अगर आपको इंस्टॉलेशन करना है, खुद से नहीं करना है, तो बंदा घर में आके इंस्टॉलेशन करके जाएगा, घर में डाल के जाएगा, आपका फिट करके जाएगा, दूसरा आपको सिखा के जाएगा। एचपी में यह फायदा मिला मुझे। अब बातें बहुत हो गई, आपने लेना तो ये ले लो, आंख बंद रहे, ज़्यादा सोचो मत। अब मैं इसका दिखाता हूँ कि काम कैसे करता है, वो चीज़ थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं। तो ये है हमारा प्रिंटर। देखो अगर आप पहली बार इसको ले रहे हैं तो आपको इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। वो दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि आपको आईडिया नहीं होता, अगर जब आप इसे पहली बार लगाते हैं तो आपको एक ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है अपने कंप्यूटर में, पीसी में एक ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे तब जाके आपको ये आप प्रिंटर इसका यूज कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, जब आप पहली बार यूज करेंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन रहेगी क्योंकि इसका बार बार ढक्कन खोलना पड़ता है, यहाँ पर कुछ सेंसर टाइप का कुछ है, जब तक एक बार ढक्कन खोलिए दोबारा बंद नहीं करेंगे तब ये यहाँ पर लाइट नहीं आएगी तब तक, तो एक इसमें आपको ये कन्फ्यूजन हो सकती है। दूसरा इसमें कुछ हो इसका खास नहीं होता, आगे से ही खुलता है, अंदर यहाँ पर कार्टेज पड़ती हैं वो आपको अभी दिखेंगी नहीं, बाकी ये ब्लैक कलर, ये ब्लू और ये पिंक, ये येलो, ठीक है। और जो मैं ब्लैक की बोल रहा था, ब्लैक की करीब करीब इतनी बॉटल ये बच चुकी है, मैं दिखाऊँ तो करीब करीब इतनी बॉटल, फोकस नहीं हो रहा है, बोहिमिया पाजी ये फोकस हो जा रहा है, तो इतनी बॉटल बच चुकी, कलर बचा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसका यूज कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ और इससे कैसे प्रिंट निकलेगा वो बताता हूँ। तो हम प्रिंट निकालेंगे इसका, ये थोड़ा सा ब्रांड अलग हो सकता है लेकिन इसको मैंने इस तरह यूज चूज करा क्योंकि इसमें जो क्वालिटी कलर की वो काफ़ी अच्छी है, चीज़ को इग्नोर मानना, और थोड़ा फाड़ने में दिक्कत हुई। सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं और यहाँ पर इसको रख देंगे, ठीक है, यहाँ पर रख देंगे और इसको बंद कर दिया। अब आप चाहे डायरेक्ट स्कैन यहाँ से भी कर सकते हैं, स्कैन करके मतलब, या फिर वहाँ से प्रिंट कमांड देके प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप ढक्कन बंद करेंगे यहाँ पर आपको इन सब में लाइट जलनी चाहिए, ये आपका कलर का रहेगा, ये ब्लैक एंड व्हाइट का रहेगा और ये आईडी का है, अगर फोटो आईडी या आधार कार्ड कुछ ऐसे भी प्रिंट करते हैं तो ये स्कैन एक बार में करेगा, प्रिंट एक ही बार में दोनों साइड का निकाल देगा, ठीक है। हम सबसे पहले कलर प्रिंट निकाल के दिखाते हैं, यहाँ पर पेपर लगना जरूरी है, पेपर का ध्यान देना कोने उन्हें मुड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे हम कमांड देंगे ये यहाँ पर कुछ ऐसा बन के आएगा तो मान लो प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई है, आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई, देखो यहाँ से पेपर जाएगा थोड़ी देर में, पहले ये स्कैन लेगा और उसके बाद यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर ट्रे आती है, ट्रे को आप ऐसे खोल सकते हैं, यहीं से पेपर निकल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ स्कैनिंग चल रही है और वो पेपर लेना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ये हम अभी कलर दे रहे हैं, इसके बाद निकलेगा ब्लैक एंड वाइट। टाइम आपके सामने है, कितना टाइम लेगा, घर के यूज के लिए तो टाइम की ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि भाई जल्दी चाहिए हमें लेट चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैंने टाइम वाला ऐसा कुछ नहीं दिया। इसमें 3 मोड मिलेंगे आपको कि आप स्लो, फास्ट और मीडियम 3 भाग में ले सकते हैं, मैंने मीडियम रख रखा है। फास्ट करेंगे तो थोड़ा सा क्या है जल्दी प्रिंट होगा, तो पेपर अंदर ले लिया, अब यहाँ से प्रिंटिंग निकलना स्टार्ट हो गया, कागज़ निकलना स्टार्ट होगा, ठीक है, वो कागज आना स्टार्ट हो गया, आपको दिख रहा होगा, अभी प्रिंटर निकल जाए फिर आपको दिखाते हैं कैसे प्रिंट निकला है, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमारा एक तो ये निकल गया, अब ये देखो प्रिंट निकला कुछ ऐसा। अब मैं रियलिटी बताऊँ तो काफ़ी अच्छा प्रिंट निकला, मतलब बहुत सही, मैं आपको रियल वाले से कंपेयर करके दिखाऊँ तो कुछ चेंज नहीं है खास,
सिर्फ इसका पेपर साइन ही पेपर है। देखो अगर आपको दिखाऊं तो देखो ये साइन मार रहा है पेपर, दिखाऊं, ये देखो साइन मार रहा है ना पेपर, ये पेपर साइन मार रहा है। तो ये साइन ही पेपर है और ये नॉर्मल पेपर है, तो इसमें इससे ऐसा आया, ठीक है। अभी इसका हम ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर निकाल के दिखाएं आपको। तो ब्लैक एंड वाइट के लिए मैंने ऐसे रखा और पेज में ज़्यादा बर्बाद करूँगा नहीं, इसलिए मैं इसको उल्टी साइड से यहीं से डालता हूँ, डाला। और इसका देखो हमने एक बार ढक्कन खोल दिया था ना, खोला इसलिए यहाँ पर लाइट आई है, नहीं तो ये लाइट नहीं आती। हमने ब्लैक एंड वाइट प्रिंट दे दिया कमांड, ठीक है। और ब्लैक एंड वाइट थोड़ा जल्दी निकलेगा वो कलर से, देखो एकदम पेपर अंदर ले लिया, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट है, ब्लैक एंड ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, कलर ज़्यादा बनाने नहीं पड़ते, इसलिए उसने ले लिया, ठीक है। देखो यहाँ से आ गया ये ब्लैक एंड वाइट, काफ़ी बेहतर है, बहुत ही बढ़िया है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे काफ़ी सही लगा, ठीक है। तो इस प्रिंटर से आप इस टाइप का प्रिंट निकाल सकते हैं, और इसमें कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। देखो यहाँ पर ही आ गया, अब हम इसको खोलेंगे तब जाके ये अगला प्रिंट देगा, या फिर ये आप कॉपी चेंज करने जाए, पेपर चेंज करने जाए, तब आप पेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही था इस वीडियो के अंदर, मैंने आपको बताया जो चीज़ अगर आपको प्रिंटर की ज़रूरत है घर के यूज के लिए ले रहे तो बेझिझक आँख बंद करो और ले लो, ज़्यादा सोचो मत, जितना सोचोगे दिमाग उतना आपका चलेगा, उतना दिमाग खराब होगा, इसलिए आँख बंद कर ले लो, बहुत बढ़िया प्रिंटर, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो वीडियो कैसे लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर कर देना, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड।